नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 जून से लेकर 9 जून तक यानी पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि किसी सरकारी विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों को पेशेवर खेल और विज्ञापन से मिलने वाली अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा राज्य खेल परिषद में जमा कराना होगा। तो दोस्तों ये बात कही है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो खिलाड़ी सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपने जो खेल जिस खेल में वे खेलते हैं उस खेल से प्राप्त होने वाले पैसे और विज्ञापन से मिलने वाले पैसों का 33% यानी एक तिहाई हिस्सा राज्य खेल परिषद में जमा कराना होगा। तो ये हरियाणा सरकार ने ये अधिसूचना जारी करते हुए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताइवान ने किस देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच 7 जून 2018 को बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। तो ये था चीन के साथ, ताइवान का जो तनाव था वो बढ़ गया था, इस कारण उन्होंने 7 जून यानी पिछले हफ्ते में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए 2018 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों की सूची में कितने स्थान पर रहा है, यानी भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का रहा है 137वां स्थान। इसमें 163 देशों की सूची थी, उनमें भारत का 137वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ई कचरे की समस्या पर लगाम हेतु किस सरकार ने लोगों से पुराने फोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है। तो ये की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन के फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण यानी AFCN ने किस बैंक की लंदन शाखा पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 महीने तक डिपॉजिट लेने पर पाबंदी लगाई है। तो ये है कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहरुख खान की चचेरी बहन का नाम जो पाकिस्तान के पेशावर से चुनाव लड़ने के कारण चर्चा में है, यानी उसका क्या नाम है शाहरुख खान की चचेरी बहन का जो पाकिस्तान से चुनाव लड़ेगी, तो उसका नाम है नूर जहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में गोपबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये उड़ीसा में की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि गोपबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, ये उड़ीसा में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैश्विक वैश्विक तंबाकू सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009-10 से 2016-17 के दौरान भारतीय वयस्कों में तंबाकू की लत 34.6% से घटकर कितना प्रतिशत हो गई है। तो ये 28.6% हो गई है, यानी कि पहले 34 थी अब 28, यानी कि 6% घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नौसेना ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर फंसे 38 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किस नाम से अभियान चलाया। तो ये था ऑपरेशन निस्तार। ऑपरेशन निस्तार क्या है, ये क्वेश्चन जी को आ सकता है। तो जो भारतीय नौसेना ने जो यमन के सोकोट्रा द्वीप पर भारतीय फंसे हुए थे, 38 भारतीय फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, एक अभियान चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन निस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जिसके द्वारा राज्य में व्यवसाय को सरल बनाने हेतु बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो है पंजाब। पंजाब ने बिजनेस फर्स्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RBI ने हाल ही में IDFC बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। तो ये था कैपिटल फर्स्ट, यानी IDFC और कैपिटल फर्स्ट को विलय को मंजूरी दी है RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, BCCI ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2 सीजन यानी 2016-17 और 2017-18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। तो वो चुना गया है विराट कोहली को, जो भारतीय टीम के कप्तान है, उसको BCCI ने 2 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई थिंक
टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो देश लगातार 11वें वर्ष भी दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है वो देश कौन सा है, तो वो देश है आइसलैंड। आइसलैंड है जो पिछले 11 वर्ष से दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत की अटल भूजल योजना के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक ने भारत की अटल भूजल योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू किया है, तो ये ईरान ने शुरू किया है काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस क्षेत्रीय क्रिकेट संघ को हाल ही में BCCI का सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन पुरस्कार मिला है, तो वे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI की ओर से ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, SOCM के अध्ययन के अनुसार दुनिया में ई कचरे का 5वां सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता देश कौन सा है, तो दोस्तों ये भारत है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ई कचरा उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि RBI ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में किफायती मकानों हेतु आवास ऋण की मौजूदा सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है, तो ये कर दिया गया है 35 लाख, यानी कि 7 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी करीब 161 करोड़ रुपए के साथ 83वें नंबर पर है, तो वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में कितने प्रतिशत रह सकती है, तो ये 7.5% हो सकती है 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह स्थान कौन सा है जहां देश का पहला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से गुजरेगा नेशनल हाईवे, तो वो है, वो स्थान का नाम है वाराणसी। वाराणसी में एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से नेशनल हाईवे गुजरेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किस कंपनी की फूड पार्क के लिए ग्रेटर नोएडा में दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है, तो ये था पंतजलि, जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है। उस उत्तर प्रदेश के अंदर जो का उसके स्थान था, जो जगह दी गई थी पंतजलि को, उसका आवंटन रद्द कर दिया है यूपी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जहां सरकारी कार्यालयों में एक बार प्रयोग होने वाली पानी की प्लास्टिक बोतलों पर बैन लगा दिया गया है, तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में जो सरकारी कार्यालय है वहां पर जो एक बार प्रयोग होने वाली पानी की प्लास्टिक की बोतलें थी उन पर बैन लगा दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस फर्म भारत फाइनेंशियल और किस बैंक के विलय को हाल ही में BSENSE द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है, तो उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह दूर संचार कंपनी कौन सी है जिसे दूर संचार विभाग ने 100% FDI की अनुमति प्रदान की है, तो वो है आइडिया। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय के गठन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण दिवस पर जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की रेटिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 177वां स्थान मिला है पर्यावरण दिवस पर जारी की गई थी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की रेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा कितने बैंकों का विलय करके नया बैंक बनाया जा सकता है, तो 4 बैंकों का विलय करके एक नए बैंक की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि ने हाल ही में गो एयर का CEO नियुक्त किया गया है, तो वो उसके CEO का नाम है कार्नोलिस रिस्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने राज्य के पुरुष कर्मचारियों को कितने दिन की पेटर्निटी लीव देने का फैसला किया है, तो 15 दिन की पेटर्निटी लीव
देने का फैसला दिया है किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामांकित किया गया है, तो वो था कगिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल माध्यम से लेन देन बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जो ये धोखाधड़ी हो रहे हैं इसके प्रति सतर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद जरूर रखना। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाटे गए हैं पिछले हफ्ते के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वे ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस देश की कंपनी गैज़प्रोम ने लिक्विडफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की पहली खेप भारत भेजी है, तो उस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस बैंक UBS द्वारा कराए गए सर्वे में किस शहर के लोगों को सबसे अधिक मेहनतकश बताया गया है, तो मुंबई के लोगों को सबसे ज्यादा मेहनतकश बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए किस विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी बनाने का निर्णय किया गया है, तो वो किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत एक ऐसी एजेंसी बनाई जाएगी जिससे जो सोशल मीडिया पर महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप से पेश किया जाता है उसे रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो उस अभियान का नाम है कृषि कल्याण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है हानी अल मुल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किन्हें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो वो है महेश कुमार जैन। देखिए दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है ये जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है महेश कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों का फीडबैक मांगा है, तो उस ऐप का नाम है नमो ऐप। नेक्स्ट, सेबी ने शराब कारोबारी विजय माल्या की पूंजी बाजार में कारोबार करने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि भारत और सिंगापुर के बीच 1 जून 2018 को रक्षा आर्थिक सहयोग समेत कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और सिंगापुर के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पहले भी आया था कि वह राज्य जिसने पत्रकारों हेतु गोपबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना शुरू की है, तो वो है उड़ीसा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स के, यानी कि 4 जून से लेकर 9 जून तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना है, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करना है, और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आपने इस चैनल GK गुरु को सब्सक्राइब कर लेना है, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।